एक्सरसाइज 30 है पैरेलोग्राम्स, नालो किट्टा फिगर ए बी सी डी। इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। जिसमें प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलोग्राम आर इक्वल, यानी ए बी इज इक्वल टू डी सी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलोग्राम है, ऐसी ए डी इज इक्वल टू बी सी ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलोग्राम है। नाउ मूविंग ऑन सेकेंड प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये एंगल इसके इक्वल हुआ, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है? को इंटीरियर एंगल, क्योंकि यहाँ पर एक यू शेप बन रहा है और इसके अंदर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इसलिए इनके जो इंटीरियर एंगल है इनका टोटल होता है हमारा 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल। ऐसे ही हमारा एंगल बी प्लस एंगल सी वो भी 180 डिग्री हुआ, एंगल सी प्लस एंगल डी वो भी 180 हुआ, और एंगल डी प्लस एंगल ए 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी हमारी? को इंटीजर एंगल। नाउ मूविंग ऑन, अगर इसका पैरामीटर कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए आप। पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। देखिए एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं? जो हमारी एल शेप में होती हैं उन्हें हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। लाइक दिस वन, हमारी ये साइड और ये साइड, यानी ये दोनों हमारी एडजेसेंट साइड्स हैं, यानी ए बी एंड बी सी, हमारी ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स। ऐसी बी सी से सी डी आएगा, सी डी से ए डी आएगा, तो ये हमारी एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं। इनका प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम निकल कर आ जाएगा। एक्सरसाइज 13 है क्वेश्चन नंबर 1, नाउ लुक एट द फिगर, ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल बी एंगल सी एंगल डी आपको फाइंड करना है, सो लुक एट द सॉल्यूशन, एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब देखिए जो प्रॉपर्टी हमारे पैरेललोग्राम की वो क्या है, ए जो है वो सी के इक्वल है, यानी हमारे पास हो जाएगा सो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। कौन सी प्रॉपर्टी हमारी है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी हमारा सी भी कितना हुआ? 80 डिग्री हुआ। अब देखिए बी कैसे निकालेंगे हम? को इंटीरियर से निकाल सकते हैं। सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्रॉपर्टी हम यहाँ शो कर देंगे को इंटीरियर एंगल। अब देखिए यहाँ पर एंगल ए है 80 डिग्री प्लस एंगल बी हमें नहीं मालूम 180 डिग्री, एंड आफ्टर ट्रांसपोजिंग हियर वी विल गेट 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री, यानी हमारा एंगल बी कितना है? 100 डिग्री है। अब आते हैं हम डी की तरफ। नाउ देखिए एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल है क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, सो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी हमारा एंगल डी कितना हुआ? 100 डिग्री। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 4, नाउ लुक एट द सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स वो कितना दे रखा है? 1:3। तो रेशियो के हिसाब से हमारा एंगल ए कितना हो गया? लेट एंगल ए इज इक्वल टू 1y एंड एंगल बी इज इक्वल टू 3y। अब देखिए जब हम फिगर क्रिएट करेंगे तो हमारी फिगर कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए बी सी डी, एंगल ए कितना हुआ? 1y, एंगल बी कितना हुआ? 3y। अब इन दोनों का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कौन सी प्रॉपर्टी से? को इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1y प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 4, 4 जा 4 5 जा मीन्स y इज इक्वल टू आया 45 डिग्री। नाउ मूविंग ऑन, हमारा y इज इक्वल टू 45 डिग्री निकल चुका है। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, सो एंगल a इज इक्वल टू 1y मीन्स 1:45 डिग्री, ये हो गया हमारा 45 डिग्री। उसके बाद एंड एंगल बी इज इक्वल टू 3y मीन्स 3:45 डिग्री, आफ्टर मल्टीप्लाइंग हेयर वी विल गेट 135 डिग्री। उसके बाद देखिए एंगल सी कितना है, एंगल सी उतना है जितना एंगल ए है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है हमारे, तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, कौन सी प्रॉपर्टीज है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी एंगल सी भी हमारा कितना हुआ? 45 डिग्री, एंड एंगल डी हमारा किसके इक्वल है? एंगल बी के, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी हमारा कितना हो गया? 135 डिग्री। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6, नाउ लुक एट द सॉल्यूशन। लेट एंगल ए इज इक्वल टू वाई ले लिया है, सो एंगल बी हमारा कितना हुआ?
टू वाई माइनस 20 डिग्री, क्योंकि वहाँ पर कहा गया था कि जो सेकंड एंगल है वो हमारा ट्वाइस है फर्स्ट वाले का, लेकिन 20 लेस है, तो हमारा हुआ 2y माइनस 20 डिग्री। अब आपको मालूम है सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, को इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए यहाँ पर एंगल ए है हमारा वाई, एंगल बी है हमारा 2y माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद ये हो जाएगा टोटल 3y इज इक्वल टू माइनस 20, हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो 180 डिग्री प्लस 20 डिग्री 3y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 200 डिग्री। y इज इक्वल टू हो जाएगा 200 डिग्री अपॉन 3। देखिए हमारा y निकल के आ चुका है 200 अपॉन 3 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल टू y मीन्स 200 डिग्री अपॉन 3। नाउ मूविंग ऑन, एंगल B अब हम निकाल लेते हैं। एंगल B इज इक्वल टू 2y माइनस 20 डिग्री। देखिए यहाँ पर 2 इंटू 200 डिग्री अपॉन 3 माइनस 20 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 400 डिग्री अपॉन 3 माइनस 20 डिग्री। अब देखिए इसके अपॉन 1 डाल के इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 3, 400 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके आएगा 340 डिग्री। इसके बाद हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, 3 1 3 1 3 3 3 113 होल 1 अपॉन 3 डिग्री। इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, 3 6 18 3 6 18, यानी हमारे पास आएगा 2 अपॉन 3 डिग्री। अब देखिए बी निकल चुका है, ए निकल चुका है, सो एंगल सी वो किसके इक्वल होता है हमारा एंगल ए के, कौन सी प्रॉपर्टी से, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी हमारा एंगल सी कितना हो जाएगा 66 होल 2 अपॉन 3 डिग्री। उसके बाद एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल बी के, कौन सी प्रॉपर्टी से, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी हमारा एंगल बी कितना है, वह है 113 होल 1 अपॉन 3 डिग्री, तो वही हमारा एंगल डी भी हुआ 113 होल 1 अपॉन 3 डिग्री। सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।